अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स जो हम डिस्कस करेंगे वो 2009 से ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे, ये समझ लो 10-11 साल। इससे पहले आपने जाना नहीं है, बस 10-11 इयर्स आपने सॉल्व करने हैं। और इसमें भी वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो बुक में मौजूद नहीं है, क्योंकि बुक वाले जो है वो तो ऑब्वियसली मैंने हर चीज आप लोगों को करवाई हुई है। तो जो बुक से हट के क्वेश्चन आए हुए हैं उसी में इंक्लूड है एग्जाम्पल्स भी। आपको कुछ ऐसे सवाल भी नजर आएंगे जो बुक के एग्जाम्पल्स हैं, तो वो भी हम करेंगे। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स जो बुक में मौजूद हैं, जो पेपर में तो नहीं आई लेकिन सिमिलर हैं जो बुक में क्वेश्चंस हैं, तो मैं करवा दूंगा ताकि उनके आने के चांसेस हैं तो वो भी आप लोगों को पक्का हो जाए। तो पास्ट पेपर्स प्लस एग्जाम्पल्स सब हम डिस्कस कर लेंगे। जाहिर सी बात है वीडियो लंबी होगी तो मैं पार्ट्स में अपलोड करूंगा। जो आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2, 3, 6, उसके बाद 7 और 8 में तो ऐसा कोई नहीं है जो बुक से हटके आया है, लेकिन जो भी है जितने भी चैप्टर्स जिनके क्वेश्चंस हटके आए हैं, एग्जांपल्स हैं, वो मैं पार्ट में डिवाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। ठीक है, मैं जरा सॉल्व करवाऊंगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लेना कमेंट करके या व्हाट्सएप पे भी पूछ लेना मुझसे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर नंबर 1 तो ऑब्वियसली आती नहीं है, चैप्टर नंबर 2 से हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को ईयर भी बता दूंगा कि किस ईयर में क्वेश्चन आया है, आपको कहां पे ये मिलेगा। तो सबसे पहले बात की जाती है, यार चैप्टर नंबर 2 का सवाल है जिसमें आप सेपरेट करते हो रियल और इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है, उसी टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिलेगा। जरा हम उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, एक सेकंड में जरा 2.2। हाँ, 2.2 के दो ही क्वेश्चन है जो बुक से हटके आए हैं, उनमें से भी एक बुक का ही है वो। तो 2017 का मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर जो चैप्टर है, 2017 के पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 जो है वो 2.2 से रिलेटेड होगा। ठीक है, और उसमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स एंड फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये जो सेपरेट वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको 2.2 में ही किसी क्वेश्चन में मिल जाएगा। 2.2 में एक क्वेश्चन तो सिंप्लीफाई का, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का जो पार्ट 5 है वो एग्जैक्ट यही है। उसमें जस्ट आप सेपरेट करते थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम नहीं करते थे, इसलिए मैंने एक साथ करवा दिए। तो क्वेश्चन जो है जरा लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है आपको, √2 + i डिवाइडेड बाय √2 - i। और सबसे पहले आपको इसको सेपरेट करना है इसके रियल और इमेजनरी पार्ट में, उसके बाद की वर्किंग बाद में है। तो सॉल्व किस तरह करोगे भाई, सिंपल सी बात है, आपको डिनोमिनेटर से आयोटा खत्म करना होता है। अब अगर डिनोमिनेटर में जस्ट आयोटा मौजूद होता तो मैं आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करता, लेकिन डिनोमिनेटर में बकायदा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है, रियल और इमेजिनरी पार्ट है। तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दो इसको, जो इसके डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो डिनोमिनेटर इसको तो आप जवाब रहने दो, डिनोमिनेटर है √2 - i। कॉन्जुगेट आप किस तरीके से लेते हो कि जो इमेजिनरी नंबर होता है उसका आप साइन चेंज करते हो, तो √2 - i का कॉन्जुगेट हो जाएगा √2 + i। तो आप √2 + i से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अच्छा, ऊपर क्या होगा, ऊपर देखो √2 + i, √2 + i, तो ये पूरा फॉर्मूला बना देंगे √2 + i का होल स्क्वायर, ऊपर तो ये चीज बन गई होगी। और नीचे क्या है, √2 - i और √2 + i, नीचे ये वाला कॉन्सेप्ट है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, इस कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखना, मैंने आप लोगों को काफी बताया चैप्टर 2 के अंदर कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होता है तो उसको सिंप्लीफाई करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को कर लेते हैं सिंप्लीफाई, इसमें फॉर्मूला लगा दो a + b होल स्क्वायर का, √2 का स्क्वायर होता है 2 के बराबर, फिर फॉर्मूला कहता है 2ab, तो 2ab, फिर होता है b² आयोटा का स्क्वायर। अच्छा, डिनोमिनेटर में देखो एक कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है अपने कॉन्जुगेट से, तो रिजल्ट इसका काफी सिंपल होता है कि जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करो, √2 का स्क्वायर होगा 2 के बराबर, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करो। इमेजिनरी पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इमेजिनरी नंबर उसमें आप आयोटा को भी कंसिडर करते हो, और एक होता है इमेजिनरी पार्ट जिसमें जस्ट जो आयोटा के साथ लिखा होता है उसको आप कंसिडर करते हो। तो आयोटा के साथ -1 लिखा हुआ है, यहाँ पे +1 लिखा हुआ है, लेकिन जब स्क्वायर करोगे तो आंसर तो बन ही आएगा, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है। ये डायरेक्ट तरीका है, अगर आप वैसे करना चाह रहे हो तो 2 स्टेप आपको एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे,
आप नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, या इस पे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, उससे भी आंसर आपके पास ये आ रहा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले में फिर आप आई ऑटो भी कंसिडर करोगे ऑब्वियसली। लेकिन जो मैंने काफी इजी ट्रिक बताई हुई है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इस तरह कर लो। बाकी दो तरीके और भी मैंने बताए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो भी ठीक है, और नॉर्मल आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद ऊपर सिंप्लीफाई करो, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन के बराबर, तो टू चलो मैं इसको जरा लिखवा देता हूं, ये हो जाएगा माइनस वन, नीचे क्या है थ्री के बराबर है, तो टू माइनस वन होता है वन के बराबर, वन प्लस टू रूट टू आयोटा डिवाइडेड बाय थ्री, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब सवाल ये था कि आपने सेपरेट करना था रियल और इमेजिनरी पार्ट में, तो आप यहां पे एलसीएम ब्रेक कर दो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हो जाएगा वन अपॉन थ्री प्लस टू रूट टू अपॉन थ्री आयोटा। चाहो तो आप अलग से मेंशन कर दो कि यार इसमें रियल पार्ट जो है वो वन अपॉन थ्री है और इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो टू रूट टू अपॉन थ्री है। लेकिन यहां तक आपका सवाल हो गया, आपने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर दिया, एक चीज आपकी खत्म हो गई। ये तो आपने पहले भी किया होगा, बुक में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। असल चीज दूसरी जो मैंने आपको बता रही थी वो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मालूम करना था। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एक फॉर्मूले के जरिए से भी आप कर सकते हो और वैसे भी आप रेसिप्रोकल करके सॉल्व करके कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज करवा रहा हूं, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप दूसरे तरीके भी कर सकते हो। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रेसिप्रोकल लो, फिर वही डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, सिंप्लीफाई करो, आपके पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ जाएगा। ये तरीका भी है लेकिन मैं फॉर्मूले वाला बता देता हूँ। अच्छा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इस तरह भी लिख सकते हो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, वन अपॉन थ्री टू रूट टू अपॉन थ्री, दोनों तरीके से आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हो। तो बात करते हैं भाई मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो चाहो तो फॉर्मूला मेंशन कर सकते हो अपनी आसानी के लिए, ताकि आपकी गलती ना हो। यूजिंग फॉर्मूला, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को आप शो करते हो जेड इनवर्स से। इसका फॉर्मूला क्या है कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए कॉमा बी, उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है ए स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर नहीं था इसके अंदर, खाली ए था, डिनोमिनेटर में था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर था कॉमा माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मालूम करने का। तो अप्लाई कर दो, डेटा बनाना चाहो तो बना सकते हो आप कि हेयर जो ए है वो वन अपॉन थ्री है कॉम्प्लेक्स नंबर में, बी जो है वो टू रूट टू अपॉन थ्री है। अब आप जरा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मालूम करो, ऊपर क्या है ए, ए है वन अपॉन थ्री, डिनोमिनेटर में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन अपॉन थ्री का स्क्वायर वन अपॉन नाइन प्लस बी है टू रूट टू अपॉन थ्री, टू रूट टू अपॉन थ्री का स्क्वायर क्या होगा, टू रूट टू का स्क्वायर करोगे तो एट होता है, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, तो ये हो जाएगा एट अपॉन नाइन, कॉमा माइनस बी हो जाएगा माइनस टू रूट टू अपॉन थ्री डिवाइडेड बाय अगेन वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वन अपॉन नाइन प्लस एट अपॉन नाइन। बस एक दो स्टेप आपको और करके सिंप्लीफाई करना है इसको। नीचे क्या हो जाएगा, देखो वन अपॉन नाइन प्लस एट अपॉन नाइन ये वन के बराबर होता है। अगर आप यहां पे एलसीएम 9 लोगे तो ऊपर भी 9 आ रहा होगा, सिंप्लीफाई करके देख लेना तो आंसर 1 हो जाएगा इसका। तो सिंपल आपके पास 1 अपॉन 3 बचेगा और यहां पे बचेगा माइनस टू रूट टू अपॉन 3। तो ये आ गया आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। चाहो तो आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, या अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस टू रूट टू अपॉन 3। अच्छा, ये हरगिज मत समझना कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कॉन्जुगेट के बराबर होता है, कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम डायरेक्ट कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गया। तो वो इस फाक था कि यहां पे ऐसा हो रहा था कि अगर आप हल्की सी वैल्यू चेंज कर दो ना, ऊपर आप रूट टू कर दो, तो अब ये चीज पॉसिबल ही नहीं होगी। जब आप स्क्वायर करोगे तो कुछ और चीज आ रही होगी आपके पास, तो हर केस में नहीं होता, इस केस में बाहर ये वाला सीन हुआ है। तो इस तरीके से आप इस सवाल को अटेम्प्ट करोगे, सबसे पहले आपने सेपरेट कर लिया, उसके बाद आपने इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स सॉल्व कर लिया। ये वाला तरीका भी यूज हो सकता है, या आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रेसिप्रोकल करो,
तो वो भी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। बस रेसिप्रोकल करने के बाद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई का मतलब वही है कि आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे एंड पे इस फॉर्म में लाओगे, तो वाला तरीका बिल्कुल ठीक है। तो एक तो सवाल ये था, आप लोग इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले लो, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये हमने 2017 में कहा था क्वेश्चन, बाकी जितने भी क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन और है जो हट के आया है, बाकी जितने भी क्वेश्चन थे चैप्टर टू के वो सब बुक ही थे, वहीं से आ रहे थे क्वेश्चन। तो इसके अलावा आई गेस 2018 का वो क्वेश्चन है, मैं जरा नंबर आपको बता देता हूं, 2018 में आपको मिल जाएगा वो, और वो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। 2018 के अगर आप पेपर में जाओगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है वो यही है जो मैं भी करवाने लगा हूं, वो आपको बुक में नहीं मिलेगा। एक जो टॉपिक है उसका वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन का है, जैसे आपकी बुक में 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जिसमें आप कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करते हो, वही वाला क्वेश्चन है वो। तो कॉन्सेप्ट वही है, बाकी इक्वेशन चेंज है तो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन गिवन गया है आपको, एक्स 1+2 आयोटा प्लस वाई 3+5 आयोटा इक्वल टू -3 आयोटा, और सवाल यह है कि सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई। आपको उस कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्यों सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए आपको सॉल्व करना है। तो भाई सॉल्यूशन पे आ जाओ, किस तरह सॉल्व करोगे, बहुत ही बेसिक तरीका है, जैसे अलजेब्रा में आप मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही मल्टीप्लाई करो, एक्स को 1 से करो, एक्स को 2 आयोटा से करो तो 2x आयोटा हो जाएगा, अच्छा वाई को 3 से करो 3y, वाई को 5 आयोटा से करो तो 5y आयोटा इक्वल टू -3 आयोटा। उसके बाद इन कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में आपकी टेक्निक ये होती थी कि आप रियल को अलग लिखते थे, इमेजिनरी को अलग लिखा करते थे। तो रियल वो है जिसके अंदर आयोटा नहीं आ रहा, इमेजिनरी वो है जिसके अंदर आयोटा आ रहा होगा। तो एक तो एक्स है, इसको अलग लिखो, अच्छा इसको अलग लिख दिया, एक है 2x आयोटा, इसमें आयोटा आ रहा है, और एक इसमें आयोटा आ रहा है, इसको मैंने अलग कर दिया। उसके बाद रियल जो है, ब्रैकेट अभी ना लगाओ, नेक्स्ट स्टेप में लगा लेंगे वैसे खूबसूरती के लिए, एक्स प्लस 3y को अब मैंने अलग कर दिया बिल्कुल, और इसमें से आप आयोटा कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा 2x, यहां से बचेगा 5y, और आपने क्या किया, आयोटा कॉमन ले लिया। अब इधर जो यहां पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिकली कि इमेजिनरी नंबर है क्योंकि रियल नहीं है इसके अंदर, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, 0-3 आयोटा, अपनी आसानी के लिए, ठीक है, क्योंकि भाई इस तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इस तरफ भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए ना, तो आपको अपनी आसानी के लिए यहां पे 0 लिखना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे, कंपेयर करवाओगे। कंपेयर क्यों करवाओगे, ये आपने बेसिक रूल पढ़ा हुआ होगा कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो वो उसी वक्त होंगे जब उनके रियल पार्ट इक्वल है, उनके इमेजिनरी पार्ट इक्वल है। ऐसा पॉसिबल नहीं कि उनके रियल पार्ट इक्वल ना हो और वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, ठीक है। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो क्या कंडीशन है, कि उनका रियल दूसरी तरफ जो रियल है उसके बराबर होगा, उनका इमेजिनरी दूसरी तरफ जो है वो उसके बराबर हो जाएगा। तो इस तरफ रियल है एक्स प्लस 3y और इस तरफ रियल है 0, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। इस तरफ इमेजिनरी पार्ट है 2x प्लस 5y और इधर इमेजिनरी पार्ट है -3, इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब ये सवाल एक बहुत ही इजी सवाल बन गया, जो आप अपने 8 या मैट्रिक के लेवल से करते हुए आए हो, कि दो सिंपल दो अननोन में जो इक्वेशन है उनको आपने सॉल्व करना है, निहायत इजी कॉन्सेप्ट है। मशहूर जमाना मेथड होता है कि हम एलिमिनेशन मेथड रखते हैं, कि एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो वही काम करो, आप लिखो कि मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड देन इक्वेशन 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2, या अंग्रेजी करके भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, और अगर अंग्रेजी मुश्किल लग रही है तो आप सिंपल भाषा में भी लिख सकते हो कि इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 या इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, आपकी मर्जी है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। बारह तो वही काम करो, अच्छा
फ्रॉम से इस वर्डिंग में लिखते हैं ना सब्ट्रैक्ट फ्रॉम टू, तो फ्रॉम से जो पहले इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज होते हैं, वो नीचे आती है, और फ्रॉम के बाद जो इक्वेशन आई होती है वो ऊपर आती है। वैसे एक चीज बता रहा हूं आपको, तो टू से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो इक्वेशन नंबर टू जो है इसको ऊपर लिखो। इक्वेशन नंबर टू क्या है, 2x + 5y = -3। और इक्वेशन वन को नीचे लिखो, लेकिन इक्वेशन वन के साथ हमें क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है इस तरह। लिखो इक्वेशन वन को आपने मल्टीप्लाई करना है टू से, तो मल्टीप्लाई कर दो, x को टू से मल्टीप्लाई करो 2x, 3 को टू से मल्टीप्लाई करो 6y, और दूसरी तरफ तो जीरो है, कोई फायदा नहीं है। फिर आपने क्या करना था, आपने सब्ट्रैक्ट करना था, तो आप यहां पे साइन चेंज कर दो, ठीक है, जीरो का साइन चेंज भी कर दो, जीरो का असर नहीं होगा। 5 - 6 होगा माइनस वाई के, और जो माइनस 3 है अपने जगह पे आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3 के बराबर, ठीक है। जैसे आपके पास वाई आ गया, आपकी मर्जी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, पुट y = 3 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में ही आप पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 है x + 3y, y की जगह आपने 3 पुट कर दिया, ये हो जाएगा x + 9, सॉल्व करो ये हो जाएगा x - 9, तो यहां से x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, जो आपने सवाल में करना था वो आपका मकसद जो है वो अचीव हो गया। अगर आप दूसरी इक्वेशन में भी y की वैल्यू पुट करोगे, जैसे यहां पे 3 पुट करोगे 15 उधर जाके हो जाएगा -15 - 3 - 18, 2 को डिवाइड करोगे -9, तो उससे भी सेम ही आंसर आ रहा होगा। आपकी मर्जी है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जो इजी होती है उसके अंदर पुट कर देते हैं ताकि आंसर जल्दी आ जाए। तो ये कॉन्सेप्ट है, चाहो तो अगर एंड पे आप लिख दो रिजल्ट, अगर लिखना चाह रहे हो मीन्स कि एक्स जो है वो -9 के बराबर है और y जो है वो 3 के बराबर है, चाहो तो रिजल्ट लिख दो, वरना आपने डब्बे बना के लाइन लगा दी है तो ये भी काफी है, फर्क नहीं होगा। तो चैप्टर 2 के दो ही सवाल है जो मैंने देखे हैं कि पास्ट 10-11 ईयर्स में यही चेंजिंग हुई है, बाकी तो कोई नहीं है, सब बुक के मौजूद है। और देखो जिसमें चेंजिंग हुई थी वो भी कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, यही कॉन्सेप्ट आपने क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखा था, ठीक है बच्चों।